गांव में नीतू और निशा दो बहनें रहती थीं। नीतू का एक बेटा शिवा भी था, जबकि निशा की कोई संतान नहीं थी। दोनों बहनें बाजार में जाकर चूड़ियां बेचती थीं। निशा अभी तक माँ नहीं बनी थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था और इसलिए वह खुश रहती थी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों के पति आए। नीतू का पति सामान लेकर आया। उसका बेटा शिवा दौड़ते हुए आया। पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? तेरे लिए खिलौने लाया हूँ। हाँ, पूरा बिगाड़ कर रख दो इसे, क्योंकि तुम्हें तो झेलना नहीं पड़ता। तुम तो एक महीने में घर आओगे, पूरे महीने मुझे इसे झेलना पड़ता है। अरे तुम तो आते ही भड़क रही हो। जो सच है वही बता रही हूँ। अच्छा, कैसे करूँ मैं? घर का पूरा खर्चा मुझे चलाना पड़ता है। मैं कैसे कैसे घर चलाती हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। एक तो मेरी चूड़ियाँ भी इतनी नहीं बिकती हैं। निशा को देखो, जाते ही सारा माल बिक जाता है। वो बहुत खुश रहती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, फिर भी तुम उससे इतना चिढ़ती हो। वो खुश है तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? तुमसे बहस करना ही बेकार है। नीतू कहकर अंदर चली गई। उसका पति भी चुप हो गया। दूसरी तरफ निशा का पति भी घर आ गया और उसके लिए चूड़ियां ले आया। अरे आ गए आप, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। निशा ने अपने पति को पानी दिया और चाय बनाकर ले आई। मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैं इस बार भी पैसे नहीं बचा पाया। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे लिए साड़ी लानी थी, तुम वो कब से लेना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इस बार तो मैंने भी कम पैसे कमाए हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं थे मैंने उन्हें ऐसे ही चूड़ियाँ दे दी। ये तो सही किया तुमने, लेकिन मैं इस बार पक्का पैसे बचा पाऊंगा और तुम्हारे लिए साड़ी ला पाऊंगा। हमसे जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, तो हम ज्यादा पैसों का क्या करेंगे? निशा अपने पति से बात करने लगी। उसने अपने पति पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुसीबत के समय में उसका साथ दिया। हर रोज की तरह आज भी निशा और नीतू दोनों बहनें चूड़ियां बेचने गईं। निशा, तू अपनी दुकान मुझसे दूर लगाया कर, क्योंकि मेरे ग्राहक तेरे पास पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है, और वो सब तेरी वजह से, क्योंकि सब तेरे पास आ जाते हैं। ठीक है दीदी, मैं अपनी दुकान दूर लगा लूंगी। निशा वहां से दूर चली गई और जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर दुकान लगा ली। नीतू ने भी अपनी दुकान लगा ली। तभी नीतू की दुकान पर एक छोटा लड़का आया। आंटी जी, मेरी माँ को ये हरी वाली चूड़ियाँ दे दीजिए। ये 30 रुपए की हैं। क्या तेरे पास इतने पैसे हैं भी? मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। मुझे 20 रुपए की चूड़ी दे दो। क्या 20 रुपए में क्या चूड़ी आती है? चल निकल यहाँ से। आंटी दे दो ना चूड़ी, मेरी माँ पैरों से चल नहीं सकती, मैंने ये 20 रुपए ही जमा किए हैं। तू यहाँ से चुपचाप निकल जा, मुझे ही लूटने आया है। वो लड़का वहाँ से निशा के पास चला गया और उसे अपनी माँ की हालत बताई। बेटा, ये चूड़ियाँ तू मेरी तरफ से अपनी माँ के लिए ले जा, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, और इन पैसों की मिठाई खा लेना। लड़का खुशी खुशी वहाँ से चला गया, लेकिन निशा के अच्छे व्यवहार के कारण उसका सारा सामान आज भी बिक गया। लेकिन नीतू का आज भी माल नहीं बिका। नीतू गुस्से से अपने घर गई। बस बहुत हुआ, मैं अब नहीं सहूंगी, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। मेरी छोटी बहन ने ही मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली है। मैं निशा को सबक सिखा कर ही रहूंगी। जरूर इसके पास कोई जादुई शक्ति है, जिसकी मदद से ये अपना सारा माल बेच देती है। नीतू निशा का राज जानने की कोशिश में लग गई। हर रोज की तरह नीतू और निशा आज भी अपनी चूड़ियां बेचने गई थीं। तभी वो लड़का हाथ में एक पोटली लेकर निशा के पास आ गया। आंटी जी, ये आपके लिए माँ ने भेजा है। निशा ने बहुत उत्सुकता से वो पोटली खोली और देखा कि उसके अंदर एक चमकदार कंगन था। ये कंगन तो बहुत कीमती लग रहा है। ये जादुई कंगन है और ये आपकी इंसानियत का उपहार है। इतना कहकर लड़का वहाँ से अदृश्य हो गया। निशा ने उस कंगन को अपनी चूड़ियों की टोकरी में रख दिया।
कंगन के रखते ही सारी चूड़ियाँ सोने की हो गईं। निशा यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी ये खुशी अपनी बहन नीतू को बतानी चाही और वह दौड़कर अपनी बहन के पास गई और उसे सारी बात बताई। निशा, इस कंगन पर मेरा हक है। लेकिन ऐसा क्यों दीदी? वो लड़का सबसे पहले मेरे पास आया था, मैंने ही उसे तेरे पास भेजा था, इसलिए ये कंगन मेरा हुआ ना। नहीं दीदी, ये कंगन मेरा ही है। अगर आपको सोने की चूड़ियाँ चाहिए तो मैं दे दूंगी। मैं तुझसे बड़ी हूँ और तेरे तो बच्चे भी नहीं है, तो तू क्या करेगी इसका? नीतू ने जबरदस्ती निशा से वो कंगन छीन लिया और अपने घर चली गई। निशा भी चुपचाप अपनी सोने की चूड़ियाँ लेकर घर चली गई। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। सच कहते हैं, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और आज भगवान ने मुझे बहुत दे दिया। अब सारी चूड़ियाँ सोने की बना दूंगी और कल चूड़ियाँ खरीद कर ले आऊंगी। वाह, मजा आ गया। नीतू के घर में जितने भी पैसे और चूड़ियाँ थीं, उसने सब एक जगह इकट्ठा की और उनमें कंगन रख दिया। लेकिन कंगन जादुई था, उसने उसमें आग लगा दी और सारा माल राख हो गया। नीतू सिर पकड़ कर रोई और खूब पछताई, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, उसे उसके लालच ने ही डुबा दिया। किसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रमेश और सुरेश जो भी काम किया करते थे साथ ही किया करते थे, जैसे खाना खाना, सैर पर जाना। हम दोनों ना शादी भी एक साथ करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक थोड़ी है। रमेश और सुरेश एक साथ एक ही खेत में काम भी किया करते थे। एक दिन दोनों आधा घंटा लेट काम पर आए। अरे रमेश, आज तुम आधा घंटा लेट क्यों हो? वो मेरे घर मेहमान आए थे तो उनका चाय नाश्ता देने में थोड़ी सी देर हो गई। और सुरेश, तेरे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तू देर से क्यों आया? क्योंकि रमेश देर से आया। सेठ जी, मैं तो रमेश के घर के बाहर ही खड़ा था। तो तू चला आता ना, ये तो थोड़ी देर में चला ही आता। हरगिज नहीं, आज तक कभी मैं और सुरेश अलग अलग नहीं आए हैं। हम जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। वाह, ऐसी दोस्ती मैंने कभी नहीं देखी। धन्य हो तुम दोनों। रमेश और सुरेश दोनों खुश हैं। इन दोनों की अच्छी कट रही है। एक दिन रमेश को विचार आया कि उसे देवी के दर्शन करने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते महाकाली मंदिर के दर्शन कराऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल साथ साथ चलते हैं। तू भी मेरे साथ आएगा? और नहीं तो क्या, जहाँ तू वहाँ मैं। अच्छी बात है, वैसे भी मैं सोच रहा था अकेले कैसे जाऊंगा। दोनों खुश थे कि दोनों एक साथ सफर पर जाने वाले थे। एक हफ्ता बीत गया और आज रमेश और सुरेश अपनी यात्रा पर निकले। वो लोग अपनी बैलगाड़ी में सवार हो गए। वैसे तुझे देवी के दर्शन का ख्याल कैसे आया, ये बता मेरे भाई। ख्याल नहीं आया, मेरे सपनों में देवी माँ खुद आई, और बस जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि एक बार देवी माँ के दर्शन कर ही आता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है देवी माँ हमें आशीर्वाद देना चाहती हो। हाँ बिल्कुल। वो लोग बातें करते करते बैलगाड़ी से चल ही रहे थे कि उनका ध्यान रास्ते में पड़ी किसी चमकती चीज पर पड़ा। वो क्या चमक रहा है? क्या पता, चल देखते हैं। दोनों बैलगाड़ी से नीचे उतरे और उस चमकती हुई चीज के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि वो चमकती हुई चीज एक कुल्हाड़ी थी। सुरेश ने वो कुल्हाड़ी जमीन से उठा ली। ये कुल्हाड़ी इतनी चमक कैसे रही है? रमेश ने सुरेश के हाथ से वो कुल्हाड़ी ले ली। क्योंकि ये कुल्हाड़ी चांदी की है। क्या? कुछ देर तक दोनों दोस्त कुल्हाड़ी को देख रहे थे। ये चांदी की कुल्हाड़ी कितने की होगी? लाखों की तो जरूर होगी। लाखों की? उन दोनों के दिमाग में लालच की सोच आ गई। अब ये कुल्हाड़ी हम दोनों की है। हम दोनों की नहीं, सिर्फ मेरी है। मैंने पहले इस कुल्हाड़ी को देखा था, ये चांदी की कुल्हाड़ी सिर्फ मेरी है। लेकिन पहले मैंने इस कुल्हाड़ी को उठाया था, इसलिए ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी है। नहीं दोस्त, इस कुल्हाड़ी पर मेरा हक है। ऐसे कैसे तुम्हारा हक है? पहले मैंने इस कुल्हाड़ी को उठाया तो इस कुल्हाड़ी पर मेरा हक है। नहीं भाई,
अब तुम गलत बात कर रहे हो। मैंने कौन सी गलत बात कर दी? सही तो है, जो मेरा है वो मेरा ही होगा ना। ऐसे कैसे? ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी कैसे हुई? रमेश और सुरेश की बहस बढ़ने लगी। अब वो दोनों जोरों शोरों से एक दूसरे से झगड़ रहे थे और बस तभी उस कुल्हाड़ी का असली मालिक लाला ज्ञानचंद वहाँ पहुँच गया अपने दो सेवक के साथ। वो रही मेरी चांदी की कुल्हाड़ी और वो रहे चोर। लाला के सेवकों ने रमेश और सुरेश दोनों को पकड़ लिया। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं तो बेगुनाह हूँ लाला जी, इस चांदी की कुल्हाड़ी को पहले इसने देखा। मैंने तो बस देखा था, पर इसने चांदी की कुल्हाड़ी उठाई। क्या मतलब? दोनों ने लाला को बताया महाकाली के मंदिर की यात्रा में जा रहे थे और रास्ते में दोनों को कुछ चमकती चीज दिखाई दी और वो लोग रुक गए और चांदी की कुल्हाड़ी पाने के बाद वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। वैसे भी तुम दोनों उस चोर की तरह दिखते तो नहीं, वो बहुत ही मोटा था। शायद जो तुम लोग बोल रहे हो वही सच्ची बात है। हम सच कह रहे हैं लाला जी, शत प्रतिशत सच। ठीक है, छोड़ दो इन दोनों को। लाला के सेवकों ने रमेश और सुरेश दोनों को छोड़ दिया। लाला जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ उसके सेवक भी हंसने लगे। इन सब की हंसी सुनकर रमेश और सुरेश परेशान हो गए। आप लोग हंस क्यों रहे हो? तुम दोनों की मूर्खता पे हंसू नहीं तो और क्या करूं, रोऊं? हम कुछ समझे नहीं। तुम दोनों के हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी और काफी समय भी। अगर दोनों मिल बांट के खाने का सोचते तो आज दोनों के दोनों लखपति होते। खैर, तुम्हारा लालच मेरे काम आया, मुझे मेरी चांदी की कुल्हाड़ी वापस मिल गई। लाला और उसके आदमी वहाँ से चले गए और रमेश और सुरेश एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। उनके पास मौका था अपनी जिंदगी संवारने का, पर उनके लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिंदगी भर जैसे वो एक साथ रहे थे, अगर आज भी एकजुट बने रहते तो इनकी कहानी कुछ और ही होती।